नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव मौस्ती। दरअसल आज आपको हम ऐसे कहानी रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल जहां पर हम खड़े हैं आपको लग रहा होगा बाग है, ये बाग नहीं है। दरअसल यहां पर एक बरगद का पेड़ है जिसका रहस्य ही अलग है। ये जो बरगद का पेड़ है, यहाँ के लोगों का कहना है, मैंने देखा है, लगभग ये एक बीघे में फैला हुआ है। पेड़ एक है, जड़े अनेक हैं। यहाँ का रहस्य ये भी है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक कुआं है और उस कुएं में जो भी लोग शनिवार मान्यताओं के अनुसार रविवार और मंगलवार को आके स्नान करते हैं उनको कांवर और पीलिया ऐसी बीमारियों से निजात मिलता है। ये यहाँ के लोगों का कहना है। वो नहाते हैं और नहाने के बाद यहाँ से जल भर कर ले जाते हैं, उसको पीते तो उसको इन बीमारियों से निजात मिलता है, ऐसा यहाँ के स्थानीय लोग कहना है। दरअसल मैं मौजूद हूँ आज बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध टीकाराम मंदिर के लगभग 500 मीटर पहले ये स्थित इस गांव में, और यहाँ पर है बरगद का पेड़। इस बरगद के पेड़ का कहना ये, इस बरगद के पेड़ के बारे में लोगों का कहना है कि लगभग ये 200 वर्ष पुराना बरगद का पेड़ है। और अगर बात की जाए यहाँ के मान्यताओं को लेकर, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर प्रशासन के भी लोग आए, इस पेड़ का निरीक्षण किया, वन विभाग की टीम भी आई यहाँ पर पेड़ के इसको लंबाई नापने के लिए, लोगों का कहना, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी देखभाल नहीं हो पा रही सही से। आइए आपको अंदर ले चलते हैं, उस पेड़ की रहस्यमय बातें बताते हैं। आप देखते हैं, मैं एंट्री कर चुका हूं, आपको लगता होगा कि बाग है, कितनी सुंदर छांव है। और ये विशाल का वट वृक्ष आप देख सकते हैं, इसकी जो मेन जहां से उत्पत्ति हुई है, जो मेन बॉडी है वो वहां पर है। ये जो आपको दिख रहा है पूरा, ये शायद उत्तर प्रदेश में, शायद ही उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा पेड़ देखने को आपको मिलेगा। सुल्तानपुर में एक ऐसा पेड़ इसी तरह का है जो हमने देखा है, लेकिन उससे भी विशाल काय का ये पेड़ है। और ये आपको दिखाती है, देख लीजिए, ये कुएं की जो हम बात कर रहे थे, शायद कुआं वही है। अभी यहाँ के स्थानीय लोगों से ही बात करेंगे, लेकिन अगर जो बात की जाए यहाँ पर, आप देख लीजिए, ये देख लीजिए टहनियाँ जमीन पर रखी हुई हैं और ये कितनी विशाल काय टहनियाँ हैं। और ये आप कैमरा मैन कहेंगे चारों तरफ से आप घुमा के देख लीजिए, ये सिर्फ एक ही पेड़ है, आप विश्वास करिए। और लगभग जो स्थानीय यहाँ के लोग दावा है कि एक बीघे में, तो हमारे हिसाब से वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि ये लगभग एक बीघे में फैला हुआ ये पेड़ कितना सुंदर और प्रकृति की निशानी है। हम स्थानीय जो प्रशासन है और जो यहाँ के वन विभाग के लोग हैं उनसे निवेदन है कि ऐसे वृक्षों को संजो के रखना चाहिए, प्रकृति की निशानी है। और कहीं ना कहीं इनको अगर, इन पर अगर प्रशासन की नज़र रहेगी और प्रशासन इन वृक्षों को संजो के रखेगी, तो कहीं ना कहीं एक सुंदर वातावरण भी रहेगा। आपको बता दें कि आज के दौर में ऐसे बहुत से कम वृक्ष देखने को मिलते हैं जिनको संजो, क्योंकि प्रकृति की निशानी है और संजो कर रखना बहुत जरूरी है। हमारे साथ एक भाई साहब है, सीधा सवाल इनसे रहेगा। आप यहाँ पर, भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार पांडे। सुरेश जी, ये बताइए, जो पेड़ है जी, ये एक ही पेड़ है या कई पेड़ है? नहीं, एक ही पेड़ है सर। हाँ, ये एक पेड़ है और हाँ, जिंदा समाधि है। जिंदा समाधि एक नया पॉइंट इन्होंने, जिंदा समाधि क्या है? ये गुनाखर बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। हाँ। और जिंदा समाधि यहाँ के लोगों का मानना है कि ये जिंदा समाधि है और कम से कम 300 साल से ऊपर की हो चुकी है। 300 वर्ष से पुराना पेड़ है जी। अच्छा, कहीं ना कहीं प्रशासन और जो वन विभाग की टीम है वहाँ पर, यहाँ पर कोई आया नहीं बीता? एक बार आए थे, फोटो वगैरह लेके खींच के गए थे, बोले थे इसका कुछ आएगा, सोलर वगैरह और बैरिकेटिंग वगैरह होगी इसकी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं इसका। कहीं ना कहीं ऐसे पेड़ आपने कहीं देखे अभी तक? जी, जीवन में मेरा पहली बार देखा ऐसा पेड़। जीवन पहली बार देखा, तो ऐसे पेड़ों की सुरक्षा भी प्रशासन कहीं ना कहीं करनी चाहिए ना? जी जी जी, क्योंकि नुकसान जो है बाहर के लोग कर देते हैं, टहनियां काट देते हैं, दिक्कत होती है जी। ऐसे पेड़ बहुत कम। गुनाखर बाबा की बात की तो ये जो पेड़ है आपको दिखा देते हैं, कैमरा मैन कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाएं, ये यहाँ पर शायद यही बाबा की आप बात कर रहे हैं, ये गुनाखर बाबा की समाधि है। यहाँ पर लोग इतवार और मंगलवार को आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो मान्यता यहाँ के से। लेकिन जो पेड़ की उत्पन्न है ये यहीं से हुई है, ये यहीं से उत्पन्न, ये पेड़ की उत्पन्न यहीं से, बाकी सब शाखाएं हैं ऐसा कहना, लेकिन ऐसे पेड़ बहुत कम देखने को मिलते हैं। और क्या मान्यता है यहाँ की? मान्यता सर, यहाँ पे एक कुआं है जी, जिसमें नहाने से लोगों को जो पीलिया वगैरह की बीमारी होती वो ठीक हो जाती। कितने दावे हैं सच्चे में, विश्वास है अंधविश्वास? जी, विश्वास है ये, अंधविश्वास नहीं? नहीं, अंधविश्वास नहीं। और यहाँ पे भीड़ भी लगती है इतवार को और मंगलवार को, भीड़ भी लगती है। संडे है, देखते हैं उस कुएं के भी जिक्र करेंगे जिस कुएं की बात कर रहे हैं, कि यहाँ पर कुएं में नहा स्नान करने से, हमने भी अपने भी शुरुआत में बताया कि ऐसा यहाँ के लोग कहना है। लेकिन अगर पेड़ की बात की जाए तो एक बार आप देख लीजिए, लगभग ये कितने, एक बीघे से कम नहीं है सर, एक बीघे से कम नहीं जी।
और रोड अगर ना बन जाती तो और फैलता जी। जो इनका नुकसान करता है ये उनको बिल्कुल से नष्ट करने में लगे थे। क्या आप एक ग्रामीण यही रहने वाले हैं तो क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन ये कहना चाहेंगे कि इसकी सुरक्षा की जाए, चारों तरफ से इसका बाउंड्री वगैरह किया जाए और सोलर वगैरह दिए जाए यहाँ पे, कि ताकि लोगों को कुछ लाभ मिल सके यहाँ। अच्छा, एक फायदा और, गर्मी के दिनों में छांव बहुत है यहाँ पर, ऐसे बहुत कम जगह मिलती जहाँ पर लोग छांव के लिए इंतजार करते, छांव कम मिलती है। अच्छा, यहाँ पर कहाँ कहाँ से लोग नहाने आते हैं, स्नान करने? काफी दूर दूर के आते हैं। ये तो मान लो ग्राम बहटा में है इस वक्त। उनाखर बाबा का कोई चमत्कार अगर हुआ हो तो आपके हिसाब से? सर मुझे इतना भी नॉलेज नहीं क्योंकि मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये लोगों का कहना कि जिंदा समाधि है और जो लोग मानते वो उनकी मांग न पूरी होती है। जिंदा समाधि की बात कही है, यहाँ पर आपको दिखा दें, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए नहाने के बाद लोग देखो पिपिया वगैरह लेके जो है यहाँ से जल भी भर के ले आते हैं, वो लड़का जरा यहाँ पर भाई साहब लोग बैठे हैं तो यहीं पर स्नान। आज संडे, हमको लगता है भीड़ ज्यादा, आज लोग आए नहीं क्या ज्यादा? 10-11 बजे तक होती सर, सुबह से लेकर 10-11 बजे तक होती जी सुबह। ये टाइमिंग है कि मतलब सुबह से लेकर 11 तक भीड़ होती है। इस समय जो समय लगभग 11:30 बज रहा है, 12 बज रहा है, तो आइए आपको दिखाते हैं। ये वही कुआं है जहां पर लोग स्नान करते हैं, ऐसा यहां के लोगों को दावा है। यूपी टीवी की टीम ऐसा दावा तो नहीं करती है, लेकिन ये कुआं है, बहुत गहरा कुआं है और लोग कहते हैं कि यहीं से लोग पानी निकालते हैं और निकाल कर स्नान करने के लिए महिलाओं के लिए वो बना हुआ काफी लोग वो देख लीजिए, महिलाओं के लिए जो है, महिलाओं के लिए वो घर बैरिगेटिंग की गई कि यहाँ पर महिलाएं आराम से नहा सकती हैं। और यहाँ पर कुछ कपड़े भी पड़े हैं जो ऐसा दर्शाता है कि लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े यहीं छोड़कर चले जाते हैं। और ये देख लीजिए, हम कैमरा मैन जूम करके दिखाएं, अंदर कपड़े भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। मतलब ये मंगल को और रविवार को यहाँ पर लोग आते हैं और जो श्रद्धा भाव से स्नान करते हैं, गुनाखर बाबा को प्रसाद चढ़ाते हैं, इनका कहना है कि उनकी मनोकामनाएं ईश्वर पूर्ण करते हैं और कांवर और पीले ऐसी बीमारी जी ठीक हो जाती है। ठीक हो जाती है जी। कितने लोगों को आपने अभी तक ठीक होते हुए देखा है? काफी लोगों को देखा सर, काफी दिन से सिलसिला चल रहा है और लोग यही कहते हैं हाँ भैया हमें फायदा हो रहा है यहाँ। अच्छा, आपने बहुत घुमा होगा, ऐसा पेड़ देखा कहीं? नहीं सर, पहली बार देख रहे हैं। सौभाग्यशाली आपके गाँव में है जी। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे पेड़ों को संजो के रखना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रकृति की निशानी है। वहीं दूसरी चीज रहस्य है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से आते हैं, ईश्वर का बाबा का प्रसाद चढ़ाते हैं और इस कुएं से स्नान करते हैं, उनकी कांवर और पीलिया की बीमारियां दूर होती। कपड़े साज के तौर पर यहाँ पर रखे हैं, अब इन दावों में कितना सच है ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर यूपी टीवी के लिए सीमोस्ती रिपोर्ट।